ये अनुभव करते हैं कि अफगान के अंदर हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जैसा प्राइम मिनिस्टर हमें मिलना चाहिए। उन्होंने कहा क्यों, ऐसा क्या है? तो कहेंगे कि हमारे देश के अंदर मोदी को जादूगर समझते हैं, और ऐसा जादूगर अगर अफगानिस्तान को हमको मिल जाएगा तो हमारा अफगानिस्तान भी हिंदुस्तान जैसा हो जाएगा। आज दुनिया के अंदर वर्ल्ड का सब वो 25 साल से जो आदमी वहाँ रहता है, हिंदुस्तान को मैं आई हूँ, उसको 25 साल हो गए, वो यहाँ का वोटर नहीं रहा, वो यहाँ का नागरिक नहीं रहा, वहीं का वोटर हो गया, वो ये महसूस करता है। और हम हिंदुस्तान में रहने वाले लोग जो हैं, अगर अपने सामने कोई सपना रख कर के काम नहीं करेंगे तो अपनी फुटबॉल को बिना गोल के इधर से उधर तक घुमाते रहिए, सारी ज़िंदगी आपकी फुटबॉल भागती रहेगी, आप कहीं पर भी किसी संकल्प को पूरा कर नहीं पाएंगे। और इसलिए मैं आप सब मित्रों से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि ये जो सूरज का जन्मदिन आज आप लोग मना रहे हैं, ये सूरज का जन्मदिन आपके जीवन के अंदर वो सूरज का उजाला पैदा कर दे कि हम सब लोग भी सवाल होकर समाज के कामों के लिए, ऐसे हम भी सक्रिय होकर के अपने समाज और धर्म और देश के लिए अपने आप को समर्पित करिए। आप सबको आज के सब इस शुभ अवसर पर शुभकामनाएं देता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसी प्रकार से इस मैदान को हरा भरा बना करके अपने जीवन को आगे बढ़ेंगे। हमारे यहाँ के जो इस शीश महल पार्क के अध्यक्ष हैं चौधरी साहब, ये यहाँ करके मेहनत करते हैं, आप भी जरा अपने साथ इनको साथ लग करके एक बार ऐसा दिखाइए कि यहाँ पर हमने शीश महल को वास्तव में शीश महल बना दिया। ये वो है केशव जी, जैसे बच्चों की पूरी केशव जी का मैं वीडियो बना रहा हूँ। आज आप बच्चों को बहुत अच्छा लग रहा है कि आपके अध्यापक जिन्होंने आपको यहाँ सबको इकट्ठा करा, और एक जोरदार तालियां। बहुत अच्छा, मुझे एक 90 साल का कर्नल, मिलिट्री का रिटायर्ड कर्नल, अभी एक कार्यक्रम में मिला तो उन्होंने उसका परिचय कराते हुए कहा, वो कहने लगे कि ये हमारे नौजवान हैं जो आज हमने अध्यक्ष बनाए हैं। कहा कि हाँ मैं नौजवान हूँ, आई एम 16 विद द एक्सपीरियंस ऑफ 84 ईयर्स, यानी 84 साल के एक्सपीरियंस के बाद मैं 90 साल का आज एक नौजवान हूँ। और ये नौजवान का भाव आपके मन में तभी बना रहेगा अगर आप इस मैदान के अंदर रोज समय पर आकर के मेहनत करेंगे। बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ कि आप सब मिल करके इस शीश महल को शीश महल की तरह चरण चौकाइए, और लोग इस पर आने के लिए तरसे, कुछ ऐसा करिए, ऐसा संकल्प जगाइए। इतनी शुभकामनाओं के साथ हमारे बीच में हमारे यहाँ के भी निगम पार्षद और सुनील ठाकुर जी हैं, ये भी इस समिति के देता हूँ। आप सबको पुनः बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं, विशेषकर आज के जन्मदिन की सफाई को आप सबने मुझे अपने बीच में बुलाया, सुना, आप सबके प्रति आभार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आशीर्वाद, मार्गदर्शन
मेरे समेत मेरे सभी युवा भाइयों को मिला, जिसके लिए मैं आपका दिल से आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। जो आप इस पार्क में आकर आपने मार्गदर्शन दिया और अब हमारे बीच में हमारे बहुत ही जुझारू जो है कि निगम पार्षद हमारे सुजीत ठाकुर जी आते हैं, जो कि नॉर्थ दिल्ली डैम्स कमेटी के चेयरमैन भी हैं, मुझे आशीर्वाद देने, आपको आशीर्वाद देने। और हमारे बीच में केशवपुरम जिला से हमारे बहुत ही आदरणीय गोविंद शर्मा जी, मैं चाहूँगा भैया आप तालियों के साथ स्वागत अभिनंदन, जो कि हमेशा तत्पर रहते हैं शालीमार बाग वार्ड 62 के लिए। मैं कोई भी काम भाई बड़े भैया को जो है कि रूप में बोलता हूँ तो हमारे लिए सबसे आगे खड़े रहते हैं, तो एक बार जोरदार तालियां सोनू भैया के लिए। और अब मैं चाहूँगा कि दो शब्द भाई साहब सुजीत ठाकुर जी आपके बीच में रखे, आपको मार्गदर्शन दे। कटारिया जी कुछ छोड़े हैं जो मैं कुछ बोलूँगा। जी 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 जी। सबसे पहले हम सब के गार्जियन बड़े भाई और संगठन संघ और निगम में अनेकों पद पे रह के समाज के लिए काम करने वाले हमारे माननीय तिलकराज कटारिया जी और गोविंद जी, जहाँ भी अगर सूचना किसी चीज़ के दुख सुख में हो वहाँ पहुँच जाते हैं, और सोनू शक्ति भाई, और आज आप सबके यहाँ एकत्र करने वाले जिनका जन्मदिन है आज के डेट का दूल्हा, जिसके नियमित इकट्ठा होता है दूल्हा तो गोविंद जी वही होता है ना, एक बार जोरदार इनके लिए ताली से हम सब स्वागत करें। आज ये सारी टीम, युवा टीम, बच्चे, ये सारे जो हैं सबको भगवान का आशीर्वाद मिले और इतना शक्ति दे। कल छठी मैया का पूजन था, तो जब छठी मैया का पूजन होती है, जब सवेरे कार्य देते हैं, तो हम ये कहते हैं हे भास्कर जी, दिनकर दीनानाथ जी, जिस प्रकार आप सूर्य उदय हो रहे हो, उसी प्रकार हमारे जिंदगी में प्रकाशमय करो, हमारे को कल्याण करो, हमें आगे बढ़ने का मार्ग दो। तो उसी प्रकार आप सभी बच्चे को सूर्य उदय के साथ आप सबके जीवन में खुशियां हो, आप सब आगे बढ़े और देश के लिए काम करें, अपने क्षेत्र के लिए काम करें। जैसे इन्होंने कहा, मोदी जी अकेला देश को नहीं ले जा सकते, वो ले जा रहे हैं, तो हम आप सबके बदौलत ले जा रहे हैं, उसमें देश के लिए हम सब काम करें। और आज सूरज भाई के जन्मदिन के ऊपर में एक जरूर संकल्प ले